तो उसने आपकी हॉस्टल की जो बॉन्ड है कि आपको इतने घटे पढ़ना पड़ेगा, वो उस हॉस्टल के बॉन्ड की खासियत को देख करके सीएलसी आया। 59 वाले बच्चे ने भी एक सीएलसी में जो कोटा में वो भटक करके आया जिन कोचिंग से, वहाँ सीएलसी आकर के उसने वो चीज पाई। सुना था पहले, लाइव भी देखता था, कई बार मैं भी कोशिश करता था, सर्च करता था कि कोई ऐसी प्रेरणा जो बच्चे के लिए मिले, और आज सौभाग्य मानता हूँ कि आप खुद साक्षात हमारे सामने उपस्थित हुए और आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जिस बात को कहूँ कि आप यहाँ आए सौभाग्य क्यों है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि जिस गांव में आप आए हैं, हमारे ये गांव माने कि राजस्थान में जयनारायण जी व्यास का सबसे पसंदीदा गांव था, जो मुख्यमंत्री रहे हैं। और 1952 की बात है, और वो जब यहाँ आए और यहाँ आकर के कहा कि वो जब स्वतंत्रता संग्राम में थे तो गांव के लोग, जो मुख्य हमारा पेशा उस समय डकैती का ही होता था, तो उस साथ में रहे, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले, कि हम वहाँ के रहने। जब उनका जेल में परिचय हुआ और भारत आज़ादी के बाद में वो खुद यहाँ आए और यहाँ पंचायत समिति की घोषणा की, स्कूल खोली, और वो प्राथमिक विद्यालय जो है आज सीनियर बन गया, मेरा सिंह जी यहाँ पर प्रिंसिपल है, स्वाई सिंह जी, हाँ स्वाई सिंह जी टीचर है, प्रिंसिपल है। तो ये उस विद्यालय की स्थापना की, और उस प्राइमरी से आज हम जिस स्तर पे पहुंचे हैं, इस आज़ादी को माने कि 1947 हुई, लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद वो आज़ादी वास्तविक रूप से आपने हितेंद्र के रूप में पहला डॉक्टर देकर क्या बात दी है। मैं आपकी कार्यशैली को बहुत सारी चीज़ों से देखता हूं। एक हितेंद्र को मैं आपको इसको इसके परसेंटेज को, ये 95 इसके परसेंट 10th में था, इसका सेंटर मेरी स्कूल में था सर, और मेरे स्कूल के बच्चों का भी वही सेंटर था, इसके 95% थे, और एक बच्चा और था जिसके 59% थे, वो मेरी स्कूल का बच्चा है, कन्हैयालाल पालीवाल लोहा का है लड़का, हाँ, कल आया था जो एसएन, तो रुको रुको रुको, आप तो यार बहुत मेरे लिए बहुत, मैं कह रहा हूँ आप, आपकी बात कह रहा हूँ, क्या स्कोर है 59 है उसके, बोले 95 और 59। वो बच्चा कोटा गया, 2 साल करने के बाद में वापस सीकर आया, उस बच्चे को मैं सीकर उसके साथ गया, मैंने पूछा बेटा तू यहाँ कैसे आया, तो उसने आपकी हॉस्टल की जो बॉन्ड है कि आपको इतने घटे पढ़ना पड़ेगा, वो उस हॉस्टल के बॉन्ड की खासियत को देख करके सीएलसी आया, और उसने इस 95 के बच्चे के साथ अपना सिलेक्शन करवाया, दोनों का एक साथ हुआ। मैं कहता हूँ और बहुत सारी जगह उस कन्यालाल का उदाहरण देता हूँ कि हम 95, क्योंकि हम तो डकैतों से शुरू हुए थे तो हम 95 के, लेकिन उस बच्चे ने 59 वाले बच्चे ने भी एक सीएलसी में जो कोटा में वो भटक करके आया जिन कोचिंग से, वहाँ सीएलसी आकर के उसने वो चीज़ पाई, और वास्तव में उस बच्चे ने इनके साथ शायद एक मार्क्स का इनका अंतर है, दोनों आज एक ही से, एक 570 है और 571 है, तो एक कन्यालाल तरीके का बच्चा जिसके 59 को 95 करे, 59 को उल्टा सीधा करे, वो खासियत श्रवण चौधरी रखता है, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। विशेष मेरे और भी बच्चे हैं, 95% का मेरे बच्चा आपके पास अभी भी है, अब 12th में है, दुर्गेश नाम है, पालीवाल है, मंडला का है, जानता हूं, और वह दुर्गेश वहाँ है, अब दुर्गेश वहाँ जाता, मैं वो बराबर उससे कांटेक्ट में रहता हूँ, तो ये बच्चे 95% हमने दिया हमारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, वो आपकी शेखावटी की तरह नहीं है कि हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे लास्ट मेरिट का माइनस वाला मेरिट में टीचर आप हमें देते हो, बाकी छांट करके आप शेखावटी वाले सब रखते हो, और उसमें हम 95% बना करके आपको बच्चा देते हैं, और आशा करते हैं कि कन्हैयालाल की तरह आपके मार्गदर्शन में वो फिर हमारा नाम रोशन करेगा। इस तरीके से प्रेरणा जो आपकी है, पृथ्वी राज सिंह जो हितेंद्र के फादर है, मेरे क्लास फेलो, हम साथ में पढ़े, जो सिंह जी मेरे से एक मेरे बॉस है, मेरे से थोड़े आगे पढ़ते थे, लेकिन हकीकत ये बताऊं कि ये इतना हम एक्सपर्ट नहीं है जिस इनका विषय है, जोत सिंह जी, हम तीनों हमारे बच्चे हैं, लेकिन हम MBBS बच्चों ने की है, हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम नोट्स देखें, ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, कैसे पहचाने, एक तो इंग्लिश में है, तो हमारे पास खासियत होती है या तो गणित के अंक लिखे हुए तो फिजिक्स के अब उसमें CBA करके उसकी टांग पूछ बनाई हुई है, इसका मतलब केमिस्ट्री का कोई फार्मूला है सलूट, और इसके अलावा कोई फिगर दिख गया तो कोई वनस्पति तो बायोलॉजी है, बस हमें ये पता चलता है बेटा क्या पढ़ रहा है, कैसा ये पढ़ रहा हूँ, यानी इस बात इतना हमारे, फिर भी हम आपके प्रति समर्पण है, हमारा आपका आशीर्वाद है कि हमने आपके प्रति समर्पण कर दिया,
और वह श्रवण चौधरी ने उस समर्पण को करके दिखाया। इसलिए हम बहुत बहुत आभारी है सीएलसी के कि इस तरीके की परिस्थितियों के बावजूद भी इस ग्रामीण में, शायद अभी आपने शहरों और देखा होगा दृश्य, आग दिख रहे हैं, केर दिख रहे हैं, जालें दिख रही है, और उसके बावजूद भी इसमें से कोटा से बना दे, सीकर से, जयपुर से, जोधपुर से बच्चा आपने बनाया वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वनस्पति में, इस जंगल में रहने वाला बच्चा भी अगर दिल्ली एम्स के अलावा, आप मानते हिंदुस्तान की दो के अलावा सारी कॉलेजों का ऑप्शन खोलता है, ये सीएलसी का मार्गदर्शन है, आपका आशीर्वाद है। आशा करता हूं कि भगवान आपको ऐसी और प्रगति के लिए प्रेरणा दे और आपका आशीर्वाद हमेशा इस आंकड़ों पे, इस केर में, इस जाल में और इस जंगलों में ऐसे ही बरसता रहे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।